नाज़रीन व सामईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद ओहदा सदारत खाली हो चुका है, जिस पर हर एक मुसलमान की नज़रें अटकी हुई हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगले सदर और अगले अध्यक्ष कौन होंगे। इसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 और 4 जून 2023 को बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। ये मीटिंग इंदौर के करीबी मदरसा जामिया इस्लामिया बंजारी चौपाटी के अंदर होना है, जिसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुम, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी और तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारकुनान शरीक होंगे। हम आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर टोटल सदस्य और कारकुनान 251 हैं, जिनमें 30 लेडी से भी शामिल हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदारती इंतखाबात के लिए मीटिंग हो रही है, जिसमें 3 जून और 4 जून को इंशाअल्लाह फैसला आ जाएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगले सदर कौन होंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये मीटिंग इंदौर के मदरसा जामिया इस्लामिया चौपाटी बंजारी के अंदर होना है। 3 जून को और 4 जून को एक बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अगले सदर और अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह हम आपको खबरों से बाखबर करते रहेंगे।